दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बिगनर के लिए एक फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन। जब बिगनर का फर्स्ट वीक होता है तो उस टाइम पे हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाने वाली है आप इस वीडियो के अंदर जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे सबसे पहली एक्सरसाइज लगाएंगे पुशअप्स। पुशअप्स आपका ब्रेड एंड बटर है जिससे आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो पुशअप्स को लगाना बिल्कुल मत भूलना। पुशअप्स लगाएंगे, फॉर्म का ध्यान रखो। आप इस वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म से आपको लगाना है पुशअप्स। कंट्रोल वे में लगाओ 10 से 12 रैप 3 से 4 सेट्स। ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि सबसे पहली चीज़ आपको वार्म अप करना है और स्ट्रेचिंग करनी है। वार्म अप करने से बेसिकली आपके मसल्स रेडी हो जाते हैं वेट लिफ्टिंग करने के लिए, और स्ट्रेचिंग करने से आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। तो इसलिए ये दो चीज़ें हमेशा करनी है वर्कआउट करने से पहले। ज़्यादा देर तक नहीं करनी, अराउंड 5 मिनट्स तक वार्म अप करो और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करो जो भी मसल्स आप ट्रेन करने जा रहे हो। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज हम लगाएंगे स्क्वाट्स। बॉडीवेट स्क्वाट्स आपके लेग्स मसल को ट्रेन करेगा। फॉर्म ध्यान में रखनी है, 3 से 4 सेट्स लगाएंगे और 10 से 12 रैप रेंज। बिल्कुल स्लो जाओ और स्लो ही ऊपर आओ। मूव ऑन करते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। तीसरी एक्सरसाइज में हम लगा रहे हैं लैट पुल डाउन्स। लैट पुल डाउन्स आपकी बैक को ट्रेन करने में आपकी मदद करेगी। 3 से 4 सेट्स लगाएंगे, 10 से 12 रैप रेंज रहेगी। फील करो कॉन्ट्रैक्शंस को और धीरे धीरे आने दो। फील करो कॉन्ट्रैक्शंस को और धीरे धीरे आने दो। मूव ऑन करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज पे। देन गाइज आपको एक चीज़ का और ख्याल में रखना है कि वर्कआउट करने के लिए आपको प्री और पोस्ट वर्कआउट मील पहले से ही सोच के रखना है। प्री वर्कआउट मील एक ऐसा मील होना चाहिए जिसमें कार्ब्स हो, आपके शुगरी फूड्स हो, जैसे कि बनाना, ऐसे हाई शुगर कार्ब्स हो जो कि आपको थोड़ी जल्दी एनर्जी प्रोवाइड कर सके वर्कआउट करने के लिए। और पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर आपको एक ऐसे फूड्स इंक्लूड करने हैं जो कि प्रोटीन के अंदर रिच हो, एग्स, वे प्रोटीन, ऐसे सप्लीमेंट्स या फिर ऐसे फूड्स आपको ऐड करने हैं जो कि आपके वो जो मसल आपने ट्रेन किया है उसको रिकवर करने में आपकी हेल्प कर सके। दोस्तों फोर्थ एक्सरसाइज हम लगाएंगे पुशिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए बेंच प्रेस। बेंच प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपको अपने बिगनिंग स्टेज में जरूर लगानी चाहिए। डिसेंट सा वेट ले लो और 8 से 10 रैप निकालेंगे। चेस्ट अप, शोल्डर रिट्रैक्ट और पुश पुश। नेगेटिव पोर्शन में बिल्कुल कंट्रोल करके लाओ वेट को और पुश। मूव ऑन करते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज पे। देन गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप हेड को ट्रेन करेगी और इसके लिए हम लगाएंगे ट्राइसेप रो पुश डाउन्स। एल्बोस टक करो और पूरा एक्सटेंड करो और स्लोली लेके आओ ऊपर। एक्सटेंड करो, स्लोली लेके आओ, हर रैप में कॉन्ट्रैक्ट फील करो। 10 से 12 रैप रेंज करेंगे, 3 से 4 सेट्स। फॉर्म बहुत मैटर करती है इन एक्सरसाइज पे, क्योंकि आपका पहला हफ्ता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि फॉर्म मैटर करती है। अभी आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि वेट इंक्रीज़ करना है। वेट इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। अभी आपको फोकस करना है फॉर्म के ऊपर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे अपने बाइसेप मसल को ट्रेन करने के लिए अल्टरनेट हैमर कर्ल्स। आपके आउटर बाइसेप और आपको एक कंप्लीट स्टिमुलेशन देगी बाइसेप मसल में, और इसके आपको कम से कम 3 से 4 सेट्स लगाने हैं, 12 से 15 रैप रेंज। बिल्कुल धीरे धीरे लेके आओ, स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज। टेंशन बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, कंप्लीट टेंशन बना के रखो। स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देन गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे शोल्डर्स की शोल्डर प्रेस। 3 से 4 सेट्स, 10 से 12 रैप रेंज। एक ऐसा वेट लगाओ जिस पे कम से कम 10 से 12 रैप रेंज आए। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा रैप नहीं आ रहे तो वेट को लाइट करो, और अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा रैप आ रहे हैं तो फिर वेट को थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो। मूवमेंट का ख्याल रखो, आप वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मूवमेंट परफॉर्म करनी है। देन गाइज यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है हमारे क्वाड और लेग मसल को ट्रेन करेगी, वो है बारबेल स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मिस कर मत करना, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, साथ के साथ आपके लेग्स को ग्रो करने में हेल्प करेगी। डिसेंट सा वेट लगा लो और 8 से 10 रैप को एम करो। तीन से चार सेट्स, 10 से 12 रैप रेंज। तो गाइज ये पूरा कंप्लीट बिगनर वर्कआउट था जो आपको परफॉर्म करना है अपने पहले हफ्ते में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो।